ऋषि कपूर अपने बोल्ड और बिंदास बयानों के लिए जाने जाते हैं। कई बार अपनी कही बातों को लेकर ये फंस भी जाते हैं, लेकिन फिर भी चुप नहीं बैठते और खुलकर अपनी बातें सबके सामने रखते हैं। अब एक बार फिर ऋषि कपूर ने एक बड़ा बयान दिया है। इस बार जो बयान है वो भारत सरकार के खिलाफ है। उन्होंने भारत सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि भारत सरकार को शर्म आनी चाहिए। अब किस बात के लिए उन्होंने भारत सरकार पर सवाल उठाया है वो बताते हैं। दरअसल ऋषि कपूर की माने तो बॉलीवुड में उनसे 20 साल जूनियर्स तक को भारत सरकार पद्म सम्मान से सम्मानित कर चुकी है। ऋषि ने कहा कि क्या उन्होंने इतना काम भी नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें इसका कोई अफसोस नहीं है कि उन्हें सम्मान नहीं मिला, लेकिन इस बात का बहुत अफसोस है कि शम्मी कपूर और किशोर कुमार जैसे बॉलीवुड के दिग्गज और बेहतरीन कलाकारों को भी पद्म सम्मान नहीं दिया गया। ऋषि कपूर ने इस बात के लिए कहा कि उस समय की सरकार को शर्म आनी चाहिए। आपको बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान ऋषि कपूर से सवाल किया गया था कि आपको अब तक पद्म सम्मान क्यों नहीं दिया गया। इस सवाल पर ऋषि ने कहा, शम्मी कपूर और किशोर कुमार को भी कभी ये सम्मान नहीं मिला। सच तो ये है कि आपको पद्म सम्मान पाने के लिए कुछ एक तार हिलाने पड़ेंगे। ये सम्मान पाने के लिए आपको ताकत का सहारा चाहिए। तो इस तरह से ऋषि कपूर ने भारत सरकार पर भड़ास निकाली है। अगर ऋषि कपूर के वर्क फ्रंट की बात करें तो ऋषि हाल ही में मुल्क में नजर आए। इस फिल्म में ऋषि कपूर की एक्टिंग की जमकर तारीफ हो रही है। वहीं वो अब लीना यादव की फिल्म राजमा चावल में दिखाई देंगे।